आप सभी का स्वागत है और एक नई कमाल धमाल वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बिना होने वाली है बहुत बहुत खास। दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ बरकत मोटर और दोस्तों यहाँ पर है ना सेकंड हैंड कार्स का पूरा स्टॉक अवेलेबल है, तो वीडियो में बने रहना और चैनल को नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि मैं इसी तरह की नई वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको आगे। और मेरे साथ यहाँ के ओनर है आमिर भाई। तो आमिर भाई, हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसको रिस्पॉन्स कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत कॉल सा है। तो आमिर भाई फिर एक बार यहाँ का एड्रेस और फोन नंबर एक बार बता दो ना। वैद्वारी ट्रैफिक पुलिस चौकी के अपोजिट साइड में है बरकत मोटर्स। फोन नंबर है 7040131632। तो दोस्तों आपको है ना एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल्स है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेकआउट कर लेना। ऑल्टो दोस्तों ये गाड़ी पेट्रोल प्लस सीएनजी में अवेलेबल है। 2008 की गाड़ी है, सिंगल ओनर गाड़ी है दोस्तों, 65,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है और दोस्तों MS-12 पासिंग ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ पर। अगले टायर की कंडीशन आप चेक कर लो कैसी है, पिछले टायर की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है। राइट हैंड साइड से गाड़ी अगर आप देखोगे ना तो गाड़ी आपको कुछ इस तरह से दिखने वाली है, लेफ्ट हैंड साइड से गाड़ी अगर आप देखोगे तो गाड़ी आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगी। डोर की कंडीशन आप चेक कर लो कैसी है। मैनुअल में आपको विंडोज मिलने वाले है चारों, स्टेयरिंग वगैरह भी देख लो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप चेक कर लो कैसा है, मैनुअल में आपको मिलने वाली है। ये आपके टेम्परेचर कंट्रोल्स, एसी वेंट्स वगैरह देख लो। और दोस्तों ये गाड़ी का डैशबोर्ड है देख लो कैसा है। सीट्स वगैरह की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है, यहाँ भी देख लो। पिछले डोर की कंडीशन भी आप चेक कर लो दोस्तों कैसी है। और विंडोज़ यहाँ पर आपको भी मैनुअल मिलने वाले हैं। अंदर सीट्स की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है। तो जैसा मैंने कहा इसमें सीएनजी किट भी फिट किया हुआ है। तो दोस्तों इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 1,50,000 रुपीज़ जो कि निगोशिएबल हो जाएगी। अगली जो गाड़ी है वो है अल्टो 800 MS-12 में पासिंग दोस्तों गाड़ी यहाँ पर है। सिल्वर कलर में दोस्तों ये गाड़ी अवेलेबल है, पेट्रोल गाड़ी है दोस्तों ये, 2015 की, सिंगल ओनर है और सिर्फ 8,000 किलोमीटर चली हुई है। लेफ्ट हैंड साइड से गाड़ी अगर आप देखोगे कुछ इस तरह से आपको दिखने वाली है। पिछले वाले टायर की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है, पिछले वाले टायर की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है। सामने से अगर आप गाड़ी को देखोगे ना तो कुछ इस तरह से आपको गाड़ी दिखने वाली है। राइट हैंड साइड से गाड़ी कुछ आपको इस तरह से दिख जाएगी। अगले डोर की कंडीशन आप देख लो कैसी है। और अगले दो विंडोज आपको पावर विंडो मिलने वाले हैं। मिरर जो है आपको मैन्युअली एडजस्ट करने पड़ेंगे। स्टेयरिंग दोस्तों आपको पावर स्टेयरिंग में मिलने वाला है। गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लो कैसा है। गाड़ी जो है वो मैनुअल में आ रही है। गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम भी बिठाया गया है। ये आपके टेम्परेचर कंट्रोल्स, एसी वेंट्स देख लो। और गाड़ी का डैशबोर्ड भी देख लो कैसा है। सीट्स की कंडीशन भी चेक कर लो और यहाँ भी देख लो। पिछले डोर की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है। पिछले सीट्स की कंडीशन भी देख लो कैसी है। गाड़ी का बूट स्पेस भी आप चेक कर लो कैसा है। अच्छा खासा बूट स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है वो है 2,80,000 रुपीस जो कि निगोशिएबल हो जाएगी। ब्रीजा ZDI डीजल, ये 2017 की गाड़ी है। MH-14 पासिंग है दोस्तों, सिंगल ओनर गाड़ी है, 50,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, टॉप एंड मॉडल है दोस्तों ये। गाइस सामने से अगर आप देखोगे तो गाड़ी आपको कुछ इस तरह से दिखने वाली है। व्हाइट कलर में दोस्तों ये गाड़ी अवेलेबल है। राइट हैंड साइड से अगर आप गाड़ी की प्रोफाइल देखोगे तो गाइस आपको गाड़ी की प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखने वाली है। फ्रंट व्हील की कंडीशन देख लो कैसी है। पिछले वाले टायर की भी कंडीशन चेक कर लो, इसमें भी अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। फ्रंट साइड से गाड़ी की प्रोफाइल देखोगे तो गाड़ी की प्रोफाइल आपको कुछ इस तरह से दिखने वाली है। डोर की कंडीशन आप चेक कर लो कैसी है। चारों विंडोज आपको पावर विंडो मिलने वाली है, पावर स्टेयरिंग मिलने वाला है इसमें। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लो कैसा है। दोस्तों ये गाड़ी मैनुअल में आने वाली है। ये आपके टेम्परेचर कंट्रोल्स, यहाँ पर कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम भी है। ये आपके एसी वेंट्स, गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह देख लो दोस्तों कैसा है। तो गाड़ी के सीट्स की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है। दोस्तों ये ब्रीजा ZDI है, टॉप एंड मॉडल, तो इसमें एयर बैग्स भी आपको मिलने वाले हैं। पिछले डोर की कंडीशन आप देख लो कैसी है। यहाँ पर भी आपको पावर विंडो मिलने वाली है दोस्तों। पिछले सीट्स की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है। गाड़ी का बूट स्पेस वगैरह देख लो, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सामान इसमें आ जाएगा आपका। और दोस्तों इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 9,00,000 रुपीज़ जो कि निगोशिएबल हो जाएगी। दोस्तों अगली जो गाड़ी है वो है इंडिगो, सिल्वर कलर में दोस्तों गाड़ी अवेलेबल है। MH-12 पासिंग है दोस्तों, 2008 की गाड़ी है ये, सिंगल ओनर गाड़ी है, 57,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। सामने से देखोगे ना दोस्तों तो गाड़ी आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगी। राइट हैंड साइड से अगर आप देखोगे तो गाड़ी आपको कुछ इस तरह से दिखने वाली है। लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप गाड़ी देखोगे ना तो गाड़ी आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगी। पिछले टायर की कंडीशन आप देख लो कैसी है। अगले टायर की कंडीशन आप देख लो कैसी है। गाड़ी के अगले डोर की कंडीशन आप देख लो कैसी है। और यहाँ पर आपको पावर विंडो का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, चारों विंडोज मैनुअल है दोस्तों। गाड़ी का स्टेयरिंग वगैरह देख लो कैसा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लो कैसा है। ये गाड़ी आपको मैनुअल में आने वाली है। यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम भी फिट किया है उन्होंने। ये आपके टेम्परेचर कंट्रोल्स, एसी वेंट्स, डैशबोर्ड वगैरह देख लो आप कैसा है गाड़ी का। गाड़ी के सीट्स की कंडीशन भी आप चेक कर लो
कैसी है, यहाँ भी देख लो कैसी है। पिछले डोर की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है। सीट्स कंडीशन भी आप चेक कर लो किस तरह से है। गाड़ी का बूट स्पेस भी आप देख लो कैसा है, काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है आपको दोस्तों यहाँ पर। गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 1,50,000 रुपीज़, जो कि निगोशिएबल हो जाएगी। अगली जो गाड़ी है वो है मारुति सुजुकी की SX4 VDI है दोस्तों। ये डीजल में अवेलेबल है, सिंगल ओनर ये गाड़ी है दोस्तों। 73,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, MS12 पासिंग। लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे ना दोस्तों तो आपको कुछ इस तरह से दिखने वाली है। पिछले टायर की कंडीशन आप चेक कर लो कैसी है, अगले टायर की कंडीशन आप चेक कर लो कैसी है। सामने से देखोगे ना तो आपको कुछ इस तरह से दिखने वाली है। राइट हैंड साइड से गाड़ी की प्रोफाइल कुछ इस तरह से है। इस गाड़ी के अगले डोर की कंडीशन आप चेक कर लो कैसी है। चारों विंडोज पावर विंडो मिलने वाली है और मिरर्स भी आप ऑटो एडजस्ट कर सकते हो। गाड़ी जो है दोस्तों आपको पावर स्टेयरिंग में मिलने वाली है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप चेक कर लो कैसा है। गाड़ी की सीट्स कंडीशन भी चेक कर लो कैसी है, और यहाँ भी देख लो कैसी है। गाड़ी के पिछले डोर की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है। पिछले सीट्स की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है। बूट स्पेस वगैरह भी चेक कर लो कैसा है। काफ़ी बड़ा है अब और आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलने वाली है। और दोस्तों इस गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है वो है 4,00,000 रुपीज़, जो कि निगोशिएबल हो जाएगी। अगली जो गाड़ी है वो है रिट्स VXi पेट्रोल 2010 की गाड़ी है दोस्तों। ब्लैक कलर में गाड़ी अवेलेबल है, MS12 पासिंग है, सेकंड ओनर ये गाड़ी है, 75,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। सामने से अगर आप देखोगे ना तो गाड़ी आपको कुछ इस तरह से दिखने वाली है। राइट हैंड साइड से गाड़ी अगर आप देखोगे तो गाड़ी आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगी। अगले टायर की कंडीशन आप देख लो कैसी है। लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप गाड़ी देखोगे तो गाड़ी की प्रोफाइल आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगी। अगले टायर की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है। अगले डोर की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है। मिरर जो है दोस्तों आपको मैन्युअली एडजस्ट करने पड़ेंगे यहाँ पर। गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह देख लो कैसा है। गाड़ी दोस्तों मैनुअल में आने वाली है। ये आपके टेम्परेचर कंट्रोल्स, यहाँ पर स्क्रीन टच म्यूजिक सिस्टम भी बिठाया गया है। गाड़ी आपको पावर स्टेयरिंग में आने वाली है। गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप चेक कर लो कैसा है। चारों विंडोज है वो पावर विंडोज है। गाड़ी के सीट्स की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है। उसके बाद यहाँ भी देख लो कैसी है। गाड़ी के पिछले डोर की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है। यहाँ पर भी आपको पावर विंडो मिलने वाली है। गाड़ी के अंदर सीट्स की कंडीशन वगैरह देख लो कैसी है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों स्पीकर्स वगैरह वूफर्स वगैरह बिठाए हैं उन्होंने। गाड़ी का बूट स्पेस वगैरह भी आप चेक कर लो कैसा है। डिसेंट स्पेस आपको मिलने वाली है रिट्स में। गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है वो है 2,50,000 रुपीज़, जो कि निगोशिएबल हो जाएगी। स्विफ्ट VXi पेट्रोल 2011 की गाड़ी है दोस्तों, सिंगल ओनर गाड़ी है, 87,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है दोस्तों। MH12 में पासिंग है और ग्रे कलर में दोस्तों गाड़ी अवेलेबल है। राइट हैंड साइड से गाड़ी की प्रोफाइल आपको जिस तरह से दिखने वाली है। पिछले वाले टायर की कंडीशन आप देख लो कैसी है। पिछले वाले टायर की कंडीशन आप देख लो कैसी है। गाड़ी अगर आप सामने से देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाली है। हैंड साइड से गाड़ी अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखने वाली है। गाड़ी के अगले डोर की कंडीशन आप देख लो कैसी है। आपको चारों विंडोज पावर विंडो मिलने वाली है। मिरर आपको मैन्युअली एडजस्ट करनी पड़ेगी। आपको पावर स्टीयरिंग मिल रहा है इसमें। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप चेक कर लो कैसा है। गाड़ी जो है दोस्तों मैनुअल में आने वाली है। आपके टेम्परेचर कंट्रोल्स, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम भी है, AC वेंट्स, और गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह देख लो कैसा है। सीट्स की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है, और यहाँ भी देख लो कैसी है। गाड़ी के पिछले डोर की कंडीशन आप चेक कर लो कैसी है। यहाँ पर आपको पावर विंडो मिलने वाली है। गाड़ी के अंदर भी देख लो सीट्स की कंडीशन कैसी है, पिछले वाले सीट्स। उसके बाद पीछे भी देख लो स्पीकर्स वगैरह बिठाए हैं उन्होंने। गाड़ी का बूट स्पेस वगैरह भी चेक कर लो कैसा है, और काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको मिलने वाली है इसमें। तो जैसे कि ये गाड़ी पेट्रोल में है तो आप इसमें CNG वगैरह भी फिट करवा सकते हो, और वो भी आसानी से इसमें आ जाएगा, और फिर भी आपको लगेज के लिए वगैरह अच्छी स्पेस इसमें मिल जाएगी। गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 3,10,000 रुपीज़, जो कि निगोशिएबल हो जाएगी। अगली जो गाड़ी है वो है मारुति सुजुकी की इर्टिगा ZDI, टॉप एंड मॉडल है दोस्तों। 2013 की गाड़ी है दोस्तों, सेकंड ओनर गाड़ी है, इंश्योरेंस भी इसका अवेलेबल है दोस्तों। राइट हैंड साइड से अगर आप देखोगे ना तो गाड़ी की प्रोफाइल आपको कुछ इस तरह से दिखने वाली है। लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप गाड़ी देखोगे तो गाड़ी की प्रोफाइल आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगी। अगले टायर की कंडीशन आप चेक कर लो कैसी है। पिछले टायर की कंडीशन आप चेक कर लो कैसी है। अगले डोर की कंडीशन आप देख लो कैसी है। कुछ और विंडोज पावर विंडो मिलने वाली है, और मिरर भी आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि ये ZDI मॉडल है तो टॉप एंड मॉडल है, इसमें आपको एयरबैग्स वगैरह भी आ जाएंगे। इसका जो स्टेयरिंग है वो पावर स्टेयरिंग में आ रहा है। गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लो कैसा है। ये गाड़ी मैनुअल में आने वाली है। ये आपके टेम्परेचर कंट्रोल्स, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम भी है इसमें। गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह देख लो कैसा है। तो गाड़ी की सीट्स कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है, और यहाँ भी देख लो कैसी है।
ये अगर आप पीछे से देखोगे ना तो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाली है। पिछले वाले डोर की दोस्तों कंडीशन आप देख लो कैसी है। यहाँ पर भी आपको पावर विंडो मिलने वाली है। अंदर सीट्स की कंडीशन भी आप देख लो कैसी है। यहाँ पर भी स्पेस है अच्छी खासी। और पीछे वाले भी देख लो कैसा है। यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाएगी। और सीट्स की कंडीशन भी देख लो कैसी है। गाड़ी की बूट स्पेस वगैरह भी चेक कर लो। हालांकि आपको लिमिटेड स्पेस मिलने वाली है यहाँ पर अगर आप ये सीट्स है ना इसको आगे फोल्ड करते हो तो अंदर की जो स्पेस है वो भी आपको मिल जाएगी। इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 6 लाख रुपीज, जो कि निगोशिएबल हो जाएगी। अगली जो गाड़ी है वो है टोयोटा लीवा, 2012 की गाड़ी है दोस्तों। पेट्रोल में दोस्तों गाड़ी ये अवेलेबल है। ब्लू कलर में दोस्तों ये गाड़ी यहाँ पर है। MH12 पासिंग है। सेकेंड ओनर ये गाड़ी है। 82,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। राइट हैंड साइड से गाड़ी अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाली है। लेफ्ट हैंड साइड से गाड़ी अगर आप देखोगे कुछ इस तरह से आपको दिखने वाली है। अगले टायर की कंडीशन आप देख लो कैसी है। पिछले टायर की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है। पीछे से देखोगे ना तो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाली है। अगले डोर की कंडीशन आप देख लो कैसी है। और यहाँ पर आपको चारों विंडोज पावर विंडो मिलने वाले है। दोस्तों ये पावर स्टेयरिंग में गाड़ी आ रही है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी आती है। ये आपके टेम्परेचर कंट्रोल्स, यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम भी बिठाया है। ये गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो कैसा है। गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह भी देख लो कैसा है। गाड़ी की सीट्स की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है। और यहाँ भी देख लो गाड़ी की सीट्स की कंडीशन कैसी है। पिछले डोर की कंडीशन भी आप देख लो कैसी है। हाँ, अंदर सीट्स की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है। गाड़ी में ना आपको डिसेंट बूट स्पेस मिलने वाली है। अच्छा खासा सामान इसमें भी आ जाएगा। इस गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है वो है 2,95,000 रुपीज, जो कि निगोशिएबल हो जाएगी। वैगन की वेंटो गाड़ी जो है दोस्तों 2011 की है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है। 80,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। डीजल में गाड़ी अवेलेबल है। और सिल्वर कलर में दोस्तों ये गाड़ी है। MH14 पासिंग है गाड़ी की। राइट हैंड साइड से गाड़ी अगर आप देखोगे तो गाड़ी कुछ इस तरह से आपको दिखने वाली है। गाड़ी के पिछले टायर की कंडीशन आप देख लो कैसी है। अगले टायर की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है। सामने से अगर आप देखोगे ना तो आपको कुछ इस तरह से दिखने वाली है। लेफ्ट हैंड साइड से गाड़ी अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाली है। डोर कंडीशन आप चेक कर लो कैसी है। और यहाँ पर आपको है ना चारों विंडोज पावर विंडो मिलने वाले हैं। मिरर्स भी आप ऑटो एडजस्ट कर सकते हो। गाड़ी का स्टेयरिंग पावर स्टेयरिंग में आ रहा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप चेक कर लो कैसा है। मैनुअल में आ रही है। ये आपके टेम्परेचर कंट्रोल्स, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम भी है। गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह देख लो कैसा है। तो गाड़ी की सीट्स कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है। पिछले वाले डोर की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है। यहाँ पर भी आपको पावर विंडो मिलने वाली है। और पिछले सीट्स की कंडीशन भी आप देख लो किस तरह से है। तो पीछे भी आपको एसी वेंट्स मिलने वाले हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो पीछे से। गाड़ी का बूट स्पेस भी देख लो कैसा है। यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी स्पेस यहाँ पर मिलने वाली है। तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 3,60,000 रुपीज़, जो कि निगोशिएबल हो जाएगी। स्विफ्ट डिजायर ZDI डीजल, ये 2018 की गाड़ी है। सिंगल ओनर गाड़ी है। 59,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है दोस्तों ये। और ग्रे कलर में दोस्तों ये गाड़ी अवेलेबल है। MH12 इसकी पासिंग है। लेफ्ट हैंड साइड से गाड़ी अगर आप देखोगे तो गाड़ी आपको कुछ इस तरह से दिखने वाली है। गाड़ी के अगले टायर की कंडीशन आप देख लो कैसी है। अलॉय व्हील्स इसमें आ रहे हैं। राइट हैंड साइड से देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाली है। अगले डोर की कंडीशन आप चेक कर लो कैसी है। यहाँ पर आपको चारों विंडोज पावर विंडो मिलने वाले है। मिरर्स भी आप ऑटो एडजस्ट कर सकते हो। पावर स्टेयरिंग में आ रही है दोस्तों ये गाड़ी। गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप चेक कर लो कैसा है। गाड़ी जो है दोस्तों वो आपको ऑटो में आने वाली है। ये आपके टेम्परेचर कंट्रोल, स्क्रीन टच म्यूजिक सिस्टम भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपके एसी वेंट्स। ये है गाड़ी का डैशबोर्ड, देख लो कैसा है। सीट्स की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है। यहाँ पर भी देख लो कैसी है। पिछले डोर की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है। उसके बाद यहाँ पर सीट्स की कंडीशन भी देख लो। आर्मरेस्ट के लिए भी आपको मिलने वाला है। सीट बेल्ट वगैरह भी है यहाँ पर। पीछे भी दोस्तों एसी वेंट्स दिया हुआ है जो आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। गाड़ी का बूट स्पेस भी आप देख लो कैसा है। अच्छी खासी डिसेंट स्पेस आपको मिलने वाली है यहाँ पर। गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है दोस्तों वो है 7,75,000 रुपीज, जो कि निगोशिएबल हो जाएगी। अगली जो गाड़ी है वो है फियाट लिनिया, 2010 की गाड़ी है दोस्तों। डीजल में दोस्तों गाड़ी अवेलेबल है। सेकेंड ओनर गाड़ी है। 80,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है दोस्तों ये। गाड़ी के अगले टायर की कंडीशन आप देख लो कैसी है। पिछले टायर की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है। राइट हैंड साइड से देखोगे ना तो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाली है। गाड़ी अगर आप पीछे से देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखने वाली है। अगले डोर की कंडीशन भी आप देख लो कैसी है। यहाँ पर आपको चारों विंडोज पावर विंडो मिलने वाले हैं। मिरर्स भी आप ऑटो एडजस्ट कर सकते हो। गाड़ी आपको पावर स्टेयरिंग में दोस्तों आ रही है। गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप चेक कर लो कैसा है। गाड़ी जो है वो मैनुअल है। ये आपके टेम्परेचर कंट्रोल्स,
कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, एसी वेंट्स, और दोस्तों गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह देख लो कैसा है, गाड़ी की सीट्स कंडीशन भी आप देख लो, और यहाँ भी देख लो पिछले डोर की कंडीशन भी आप चेक कर लो कैसी है, पावर विंडो यहाँ भी आ रही है, गाड़ी के सीट्स की कंडीशन भी देख लो कैसी है, यहाँ भी देख लो। तो दोस्तों गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है वो है 2,50,000 रुपीज़, जो कि निगोशिएबल हो जाएगी। तो दोस्तों आपने बरखत मोटर्स का पूरा स्टॉक देख लिया, मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ पर कोई तो कार पसंद आई होगी और आप इनको कॉन्टैक्ट ज़रूर करोगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।